गोरखपुर से जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उनके साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी इस वक्त मौजूद हैं। आज गोरखपुर में ही मीटिंग हुई, बीजेपी की बैठक हुई थी जहां पर 13 सीटों को लेकर, लोकसभा सीटों को लेकर मंथन चला और उसके बाद इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा आपको दिख रहे हैं। ये संकल्प यात्रा कार्यक्रम है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत राज्य और केंद्र सरकार की ओर से की गई है, उन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी इस बच्चे को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों करवाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन जिन्हें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, कई अलग अलग कार्यक्रम में जेपी नड्डा आज शिरकत करते नजर आए। सबसे पहले खेल महाकुंभ का आगाज किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। गोरखपुर में ही ये कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग जिलों के खिलाड़ी इस खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद बीजेपी की एक मैराथन मीटिंग हुई, गोरखपुर जिले में ही ये मीटिंग हुई जिसमें 13 लोकसभा, इस पूरे क्षेत्र में आने वाले, पूर्वांचल के क्षेत्र में आने वाले 13 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हुआ। और अब देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एक बच्चे का अन्नप्राशन जेपी नड्डा के हाथों हुआ। ये दूसरी बच्ची है जो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की गोद में आपको नजर आ रही है। इस बच्ची का भी अन्नप्राशन मुख्यमंत्री करवा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए अलग अलग जिलों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं की ओर से स्टॉल्स लगाए जाएंगे, उत्पाद के साथ ही किस तरह से समूहों के जरिए महिलाएं लखपति हो रही हैं, ये स्टॉल्स पर प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया जाएगा। एक और बच्चे को, बहुत ही खूबसूरत आप देख पा रहे हैं इस बच्चे को सीएम योगी आदित्यनाथ की गोद में। रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रामगोपाल, ये कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? सीएम को हम देख पा रहे हैं बच्चे का अन्नप्राशन करवाते हुए और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का अन्नप्राशन सीएम के हाथों हो। अक्सर ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ये तस्वीरें हमें देखने को मिल जाती हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर निरीक्षण करते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं और वो बच्चों को अपने गोद में लेके उनको दुलाते हैं, टॉफी देते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोरखपुर क्षेत्र और बस्ती मंडल का दौरा रहा, वो मिशन 2024 की एक तरीके से आधिकारिक रूप से एक तरीके से तैयारी की आज उन्होंने ऐलान कर दिया है। और अब जो है बीजेपी आज से आक्रामक मोड में चुनाव प्रचार मैदान में उतर चुकी है और ये पूरी कवायद उसी की है, चाहे वो बस्ती में सांसद खेल महोत्सव की बात हो या फिर आज गोरखपुर में जो है सबसे पहले 13 लोकसभा सीटों की लेकर बैठक हुई हो या अभी इस वक्त संकल्प भारत संकल्प यात्रा, तो सारी सीटों को लेकर जो बैठक चल रही है वो बैठक मिशन 2000 बैठक रही है। और बैठक के बाद जो है इसमें इस बैठक जो जी बिल्कुल जी बिल्कुल रामगोपाल, और इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, अलग अलग स्टॉल्स है जहां पर स्थानीय उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। एक तरफ महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन, तो दूसरी तरफ विकास के पथ पर किस तरह से गोरखपुर समेत तमाम जिले, पूरा यूपी आगे बढ़ रहा है, इसे लेकर भी प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। रामगोपाल, आपको आवाज मिल रही है? तो फिलहाल रामगोपाल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गोरखपुर की, ये तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदायगी की गई सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों, तो वहीं कई बच्चे जिनका अन्नप्राशन हुआ और गोरखपुर समेत आसपास के जिलों के उत्पादों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और इन स्टॉल्स पर जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
सभी का निरीक्षण किया, जानकारी ली, उत्पादों के बारे में जाना और साथ ही ये भी जाना कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ODOP, क्या इससे फायदा मिल रहा है उत्पादों को और ज्यादा बढ़ाने की दिशा में। तमाम जानकारियां JP नड्डा ने ली, वहीं CM योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। और अब ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बस्ती में खेल महाकुंभ का आगाज आज JP नड्डा ने किया और उसके बाद BJP की एक बड़ी बैठक हुई, जिस बैठक में BJP के सभी सांसद मौजूद थे, इस रीजन के साथ ही कई बड़े नेता मौजूद थे जिन्होंने 2024 को लेकर इन 13 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया, रणनीति बनाई। और एक जो रणनीति BJP की तरफ से बनाई गई है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार की ओर से हो या फिर केंद्र सरकार की ओर से, उन योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाई जाए, लोगों को बताया जाए कि सरकार जनता के लिए क्या काम कर रही है। साथ ही फीडबैक, सांसदों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। 24 से पहले ये एक बड़ी तैयारी, बड़ा काम BJP की ओर से करवाया जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड सांसदों का तैयार करवाया जा रहा है। और लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल ये तीनों बिल पेश किए। CRPC IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पास हो गए हैं और अब इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए हैं। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। इधर काशी तमिल संगमम में वाराणसी के नमोघाट पर संस्कृति और संगीत का खासा समा देखने को मिला। यहां पर आपको दिखाते हैं तस्वीरें। आज वाराणसी की कजरी की प्रस्तुति की गई वाराणसी में, जिसमें PM मोदी द्वारा किए गए कार्यों को कजरी के सुर में लयबद्ध किया गया, जिसे सुनकर दर्शकों में भी खूब खुशी देखने को मिली। दर्शकों ने खूब तारीफ की है। जो काशी तमिल संगमम है ये पिछले साल से शुरू हुआ, तो पिछले साल के कार्यक्रम में भी मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी और सौभाग्य है कि इस बार भी मुझे आमंत्रित किया गया। और जैसा सभी श्रोताओं ने सुना, मैंने विशेष रूप से इस बार, चूंकि नमो घाट पे आयोजन था और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके ऊपर एक कजरी लिखी जाए, क्योंकि कजरी जो है वो समसामयिक विषयों पर लिखी जाती है। तो मैंने उनके ऊपर आधारित एक कजरी की रचना की और इसको पारंपरिक धुन में यहाँ गाया।